हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का इंडिगो नाम का एक चैप्टर है जिसको आज हम लोग इसका समरी पूरा कंसीडर करेंगे और इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग का एक्सप्लेन किया जाएगा। बहुत केयरफुल्ली ध्यान से आप सब लोग इसको सुनेंगे। शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है इंडिगो। इंडिगो मैं बेसिकली आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिगो मीन्स हिंदी में होता है नील, और नील एक फसल है, एक खेती है जो बिहार में खास करके उगाई जाती थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान, जब अंग्रेज हमारे देश में शासन किया करते थे। और ये जो इंडिगो नाम का चैप्टर लिखा हुआ है, ये लुईस फिशर के द्वारा लिखा हुआ है, जिसके राइटर लुईस फिशर हैं। और ये लुईस फिशर जब गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी ने एक बुक लिखा हुआ था जिसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस बुक से एक छोटा सा स्क्रिप्ट निकाल कर इंडिगो नाम का एक चैप्टर बनाया गया है जिसको आपके क्लास 12 के इंग्लिश के बुक में रखा गया है, जिसका नाम है इंडिगो। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, पूरी डिटेल से एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देखी जाएगी, आप सब लोग बहुत केयरफुली ध्यान से सुनेंगे। आगे चलते हैं। एक बार की बात है, सन 1942 में लुईस फिशर महाराष्ट्र के सेवाग्राम में जब गांधी जी से मिलते हैं, तब गांधी जी से लुईस फिशर एक सवाल करते हैं कि सर, आपके अंदर भारत में आने के बाद आपके अंदर जो आज़ादी की भूख थी वो कैसे जनरेट होना शुरू हो गया। लोगों को जब यहाँ पर आने के बाद आप जब ऑब्जर्व करना शुरू किए तो यहाँ का जो कंडीशन था बहुत दयनीय था, बहुत ख़राब था, तो उन सभी को देखकर आपके अंदर यहाँ के लोगों को आज़ाद करवाने का भूख आपके अंदर कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई। तब गांधी जी ने लुईस फिशर को यह जवाब देते हुए कहा कि ये बात है सन 1917 की। सन 1917 के बाद मेरे अंदर भारत को आज़ाद करवाने का, अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद करवाने का मेरे अंदर भूख आना शुरू हो गई। अब यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है, शुरू होती है। शुरू करते हैं आगे कहानी में बताया गया है, गांधी जी लुईस फिशर को बताते हुए कहते हैं कि 1916 में दिसंबर 1916 में मैंने लखनऊ के एक एनुअल मीटिंग यानी एक कॉन्फ्रेंस के तरह ही था जिसमें मैं गया हुआ था, और वो मीटिंग जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी। और जब मैं उस मीटिंग में गया तो उस मीटिंग में लगभग 2301 मेंबर्स आए हुए थे, और बहुत सारे ऐसे विजिटर्स भी थे, आगंतुक भी थे जो वहाँ पर आए हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में। वो जो एनुअल मीटिंग था 1916 का, वहाँ पर लोग देखने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली इलिटरेट था, यानी उसको पढ़ने लिखने कुछ भी नहीं आता था, ना तो उसको सही से लैंग्वेज बोलने आता था हिंदी, और ना तो उसको लिखने आता था। वो हर एक मायने में कमज़ोर था, देखने में भी उसका कलर काले रंग का था, और वो दुबला पतला भी था, और वो कमज़ोर था, साथ में वो गरीब भी था। और उस भीड़ में रहते वक्त ही शायद किसी ने उसको ये बता दिया होगा कि उसके गाँव का जो कंडीशन है वो एक्चुअली बिहार के एक चंपारण नाम के गाँव से आया हुआ था, और उसके गाँव में कुछ कंडीशंस बहुत बुरी चल रही थी। कंडीशंस ये बुरी चल रही थी कि वहाँ पर जो शेयर क्रॉपर्स थे, यानी वहाँ के जो किसान थे, पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो किसान अंग्रेज जो किसानों के जो जमीन थे वो अंग्रेजों ने उन ज़मीनों को हड़प लिया था। हड़पने के बाद एक लॉन्ग टर्म वहाँ पर एक डील हुई थी, उस डील के माध्यम से ये लोग अपने ही ज़मीन पर अपनी ही फसल को उगाते थे, और उगाने के बाद 15% एज ए टैक्स के रूप में अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। तो इन सारी चीज़ों से पीड़ित होकर वो जो किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास आया हुआ था। उसने पता लगाया कि गांधी जी लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कांग्रेस पार्टी के कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, और वो वहां पर जाके उनसे बात करने का कोशिश करता है। और वो ये जानता है कि इस कंडीशन से हमको निकालने के लिए गांधी जी ही सूटेबल है, यानी गांधी जी ही हमको इस कंडीशन से बाहर निकाल सकते हैं। कहानी यहाँ से एक नई मोड़ लेती है। अब वो राजकुमार शुक्ला सडनली गांधी जी के पास आता है, और वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं बिहार के चंपारण ज़िले से आया हुआ हूँ। मेरे ज़िले में इस तरह की कंडीशंस चल रही हैं, शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम चल रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ, यानी मेरे यहाँ मेरे साथ चलें और वहाँ की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। तब गांधी जी उसको कहते हैं कि अभी मैं इस कॉन्फ्रेंस में हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। गांधी जी को अभी ये भी नहीं पता है कि बिहार में चंपारण ज़िला कहाँ है, कैसा है। गांधी जी को अभी सारी चीज़ें डिटेल में अपने देश के बारे में नहीं पता है, क्योंकि गांधी जी अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका से मूवमेंट करके, अलग अलग तरह के मूवमेंट करके साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए हुए थे। गांधी जी को जब राजकुमार शुक्ला सारी चीज़ें बता देता है, तब गांधी जी कहते हैं कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे बहुत सारे अभी काम हैं,
और मैं उन काम को निपटाने के बाद ही तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और ये जो बिहार का चंपारण है, ये हिमालय के तलहटी में स्थित है, जो नेपाल के नज़दीक आसपास में पड़ता है। और जो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स थी, जो जमींदार लोग थे वहाँ के ज़मीनों को किसानों को हड़प लिए थे और उनसे 15% टैक्स के रूप में कर वसूला करते थे, इस तरीके का वहाँ से प्रॉब्लम था। राजकुमार शुक्ला भले ही इलिटरेट था, उसको पढ़ाई लिखाई में मतलब वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो बहुत ही डिटरमाइंड पर्सन था, बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला पर्सन था। एक बार जो वो ठान लेता था वो करके रहता था। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार के चंपारण से लखनऊ एक गांधी जी से, एक यानी पर्सन से मिलने आना कितनी बड़ी अपने आप में बात होती है उस टाइम पे, और वो राजकुमार शुक्ला ने ऐसा किया। अब यहाँ से कहानी हमारी आगे बढ़ती है। अब जब लखनऊ में राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिल लिया, तो गांधी जी ने उसको बताया कि अभी मुझे कानपुर जाना है, कानपुर से मुझे देश के अन्य छोटे छोटे जगहों पर जाना है, वहाँ पर मुझे बहुत काम है, उस काम को निपटाने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। फिर उसके बाद गांधी जी वहाँ से चले गए। अब गांधी जी जब वहाँ से चले गए, तो गांधी जी बहुत सारे ऐसे देश के कई जगहों पर गए, जैसे अहमदाबाद के अपने आश्रम में गए, देश के और छोटे छोटे कोनों में गए, लेकिन उनके साथ पीछे पीछा करते हुए राजकुमार शुक्ला भी उनके साथ पीछे पीछे आता गया। जब गांधी जी अहमदाबाद के अपने आश्रम में पहुँचे, तो गांधी जी ने उनसे बात किया राजकुमार शुक्ला से। तो राजकुमार शुक्ला ने बताया कि आप सर, आप एक डेट फिक्स कर दीजिए जिस डेट पर मैं आपसे मिलूं और आप मेरे साथ कंप्लीट जा सकें, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और आपका काम भी पूरा हो चुका हो। तब गांधी जी ने बताया कि कई महीनों बाद या काफ़ी टाइम के बाद मुझे कलकत्ता जाना है, कलकत्ता में मुझे बहुत सारे काम हैं, उस काम को मैं जब कंप्लीट कर लूँगा तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और जब गांधी जी इस बात को भूल भी गए थे कि वो राजकुमार शुक्ला नाम के किसी किसान से कोई वादा कर लिए हैं। बाद में क्या होता है कि जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं, और कलकत्ता पहुंचने के बाद अपने काम को निपटाने के लिए जब वो अंदर घुसने की उनकी बारी आती है, तब वो साइड में देखते हैं कि राजकुमार शुक्ला अपने पैरों को मोड़कर साइड में बैठा हुआ है। और तब उनको लगता है कि ये पर्सन अगर इतना परेशान है, तो जाहिर है कि इसकी बातों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दम है और कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर है। इसलिए गांधी जी अंदर जाते हैं ऑफिस में, अंदर जाने के बाद अपने पूरे काम को निपटाते हैं। पूरे काम को निपटाने में जो समय लगता है वो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। और जब वो ऑफिस से बाहर निकलते हैं, तो राजकुमार शुक्ला उनको वहीं जहाँ पर बैठा हुआ था वहीं पर बैठा हुआ मिलता है। वो राजकुमार शुक्ला के साथ चलने लगते हैं। अब वो राजकुमार शुक्ला के साथ ट्रेन से निकलते हैं पटना की ओर। अब वो ट्रेन पटना की ओर जब निकलते हैं, ट्रेन से पटना की ओर निकलते हैं, तो जब पटना की ओर जाते समय बिहार के, वो सबसे पहले रुकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर। आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जरूर सुने होंगे, एक महान लेखक भी रहे हैं बीते हुए समय में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने समय के एक जमींदार माने जाते थे, एक रिप्यूटेड पर्सन माने जाते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के जो गेट पर जो वॉचमैन या अक्सर लोग हुआ करते थे, वो राजकुमार शुक्ला को, जो किसान था, उसको जानते थे, क्योंकि राजकुमार शुक्ला अक्सर परेशान होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर जाया करता था उनसे हेल्प मांगने के लिए, कि वो अंग्रेज़ों को, जो अंग्रेज़ इनको परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं ये शेयर क्रॉपर्स के रूप में, इसको एक ख़त्म करें। तो उनके घर के जो दरबान वगैरह हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, तो वो राजकुमार शुक्ला को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वो राजकुमार शुक्ला को अंदर आने देते हैं। राजकुमार शुक्ला अंदर जाते हैं तो उनके साथ में गांधी जी भी होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली राजकुमार शुक्ला से मुलाकात गांधी जी की नहीं हो पाती है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी काम के कारणवश कहीं बाहर चले गए होते हैं, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। अब बात आती है यहाँ पर एक बहुत टर्निंग पॉइंट। अब गांधी जी को लगती है प्यास, और जब प्यास लगती है तो राजकुमार शुक्ला क्या करता है, वहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुएं से पानी निकालने का कोशिश करता है। तो लोगों को ये लगता है कि ये जो किसान है ये बहुत तुच्छ किसान है, अगर इस किसान के कुएं से पानी निकालने के दौरान अगर उस पानी की कुछ बूंदें अगर कुएं में गिर जाए, कुएं में ड्रॉप हो जाए, तो कुएं का पूरा पानी दूषित हो जाएगा। इतने चरम सीमा पर छुआछूत की जो परंपराएं थी हमारे देश में विद्यमान थी, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन रहा होगा उस टाइम पे। और गांधी जी भी प्यासे थे, वो भी पानी नहीं पी पाए, और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई तब वो वहाँ से रिटर्न हुए। और जब वो वहाँ से रिटर्न हुए तब वो क्या किए कि मुजफ्फरपुर गए, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता है। और जब मुजफ्फरपुर वो पहुँचे
तो जब मुजफ्फरपुर पहुँचे तो उन्होंने जे एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी, जो आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर थे और वो जेबी कृपलानी से गांधी जी पहले भी मिल चुके थे। टैगोर शांति निकेतन में एक पाठशाला ही कह सकते हैं वो था, उसमें वो गांधी जी जेबी कृपलानी से पहले ही मिल चुके थे। और जब गांधी जी चंपारण के रास्ते में पड़ने वाले मुजफ्फरपुर जाते हैं तो उनको स्टेशन पर ड्रॉप पिकअप करने के लिए जेबी कृपलानी के साथ, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि जेबी कृपलानी एक प्रोफेसर थे और प्रोफेसर हैं तो उनके कई स्टूडेंट भी थे, तो साथ में उनको पिकअप करने आए हुए थे। और वो जो ट्रेन है 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर रुकती है, और जब वो ट्रेन मुजफ्फरपुर के स्टेशन पर रुकती है तो जेबी कृपलानी के साथ और भी जेबी कृपलानी के कई सारे स्टूडेंट भी थे जो उनको पिकअप करने आए हुए थे। वहाँ से ये लोग जब स्टेशन से आए तो स्टेशन से आने के बाद ये प्रोफेसर मलखानी के घर पर रहने लगे। प्रोफेसर मलखानी भी एक टीचर ही थे, और प्रोफेसर मलखानी को जब सारी बात बताई गई कि वो ये गांधी जी हैं और ये किसानों को हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, तो प्रोफेसर मलखानी गांधी जी को अपने घर में रहने देते हैं। और गांधी जी एक बात कहते हैं, एक बड़ी विचित्र सी एक बात है कि कोई भी एक प्रोफेसर जो ऐसे इंसान को अपने घर में शरण दे रहा है, जैसे उस टाइम पर कंडीशन इस तरीके की थी, अगर कोई भी इंसान किसी भी बाहरी इंसान को अपने घर में पनाह दे रहा है, अपने घर में रहने के लिए दे रहा है जो अंग्रेज़ों का अपोज करता है, विरोध करता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी, उसको दंड दिया जाता था। लेकिन उसके बाद भी प्रोफेसर मलखानी अपने घर में गांधी जी को शरण देते हैं। अब इसके बाद कहानी हमारी और आगे बढ़ती है। कहानी जब आगे बढ़ती है फिर क्या होता है कि जो गांधी जी थे, गांधी जी प्रोफेसर मलखानी के घर पर उस रात को बिताए, और घर पर ही उन्होंने फैसला किया कि मुजफ्फरपुर से चंपारण का जो मिशन इनका है, यानी ये जिस मिशन के माध्यम से या जिस मकसद के माध्यम से यहाँ पर आए हुए हैं, ये इसका सारा डिटेल जो है किसानों को के प्रति और किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार का सारा डिटेल पूरा इकट्ठा करेंगे, पूरा डिटेल इकट्ठा करेंगे। डिटेल को इकट्ठा करने के बाद तब ये कोई एक्शन लेंगे आगे कि इनको आगे क्या करना है। फिर यह क्या करते हैं कि ये वहाँ से यानी मुजफ्फरपुर से ये चंपारण चले जाते हैं। चंपारण जब चले जाते हैं तो चंपारण के लोगों के अंदर ये पूरी खबर फैल जाती है कि कोई गांधी जी नाम के कोई व्यक्ति आए हुए हैं जो किसानों का हेल्प करेंगे। तो चंपारण के बहुत सारे ऐसे किसान जो उनके पास आने लगे और उनसे बहुत सारी बातें इस तरह की करने लगे कि उनका हेल्प कैसे किया जाए, कैसे कैसे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। अब ये क्या करते हैं कि चंपारण में रहते ही गांधी जी वहाँ के जितने भी वकील होते हैं, लोकल वकील होते हैं जो किसानों का केस लड़ते हैं कोर्ट में, ये शेयर क्रॉपर्स के मामले में, सारे चीज़ों के बारे में वो अध्ययन करते हैं, सभी वकीलों को बुलाते हैं और वकीलों से जब उसके बारे में केस के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं, तब ये पता चलता है कि ये जो वकील है वो उन गरीब किसानों से बहुत मोटे मोटे फीस वसूल रहे हैं। और जैसे ही गांधी जी को ये बात मालूम चलती है, गांधी जी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और उनको समझाते हैं कि किसानों से फीस मत लीजिए, कोर्ट में किसानों का केस लड़ने से कोई फायदा नहीं है, किसानों के अंदर उनको उनके डर से लड़ना सिखाइए, कोर्ट में केस लड़ना उनको मत सिखाइए, ना लड़िए, किसानों को उनके डर से लड़ना सिखाइए। अगर किसानों के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका जो डर है, उनसे सवाल पूछने का, उनसे आँख मिलाने का जो डर है, अगर वो डर समाप्त हो जाता है तो किसान धीरे धीरे जीत की ओर आगे बढ़ने लगेंगे। गांधी जी उन सभी वकीलों को ये बात समझाए, और समझाने के बाद ये क्या कहते हैं कि अगर किसानों के अंदर डर ख़त्म हो गया तभी जाके सबका विकास हो पाएगा और अंग्रेजों को सबक सिखाया जा सकता है। अब ये जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो भारतीय भी थे, जिन भारतीयों को अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिलाकर उन सभी किसानों का जो फसल के लायक जो उपजाऊ जमीन थी, उन सभी ज़मीनों को सभी जमींदारों में बांट दिया गया था, उन सभी जमींदारों में बांट कर उनसे किसान खेती करवाई जाती थी किसानों से उन्हीं के ज़मीन पर, और उनसे 15% टैक्स के रूप में वसूला जाता था। और जो मेन फसल थी उस फसल का नाम था इंडिगो नील, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। कुछ ही टाइम बाद, जैसे कुछ टाइम बीतता है, तब तक अंग्रेज़ों को एक न्यूज पता चलता है, खबर पता चलती है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का खोज कर लिया गया है, यानी केमिकल के द्वारा बनाया गया इंडिगो का खोज कर लिया गया है, अब इंडिगो यानी नील की खेती करने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये बात अंग्रेज जान गए कि इंडिगो के खेती का ये जो स्कोप है बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, तब उन्होंने एक चाल चला
एक डील की किसानों से कि मैं आप सभी के खेतों को सभी आप सभी के ज़मीनों को छोड़ दूंगा, हम सभी छोड़ देंगे, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको देना होगा कुछ, आपको मुआवजा देना होगा। तो कुछ किसानों को ये लगा कि अगर कुछ एक बार मुआवजा देने के बदले अगर हमारी जो ज़मीन है वो हमेशा के लिए छूट जा रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम मुआवजा दे देंगे और हमेशा के लिए हमारा ज़मीन छूट जाएगा। लेकिन कुछ जानकार जो किसान थे उन्होंने इस चीज़ का अपोज़ किया, यानी वो ये सोचने लगे कि हमारी ही ज़मीन है और हम अपनी ही ज़मीन को वापस लेने के लिए इनको मुआवजा क्यों दें। फिर वो क्या किए, वकील को हायर किए और अपने केस को बनाकर कोर्ट में लड़ने लगे। और जब कुछ किसान जो नहीं मान रहे थे इस डील को और वकीलों को हायर करके कोर्ट में केस लड़ने लगे तो जो अंग्रेज़ थे, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने ठग्स और गुंडों को हायर कर लिए ताकि इन सभी लोगों को दबाया जा सके और ये सभी लोग दब जाएं और अपने पैसों को वापस ना मांगें। यहाँ से कहानी हमारी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं। अब गांधी जी वहाँ से सेक्रेटरी के पास जाते हैं, सेक्रेटरी के पास जाते हैं और सेक्रेटरी से सचिव से बात करते हैं कि यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हो रही हैं किसानों के साथ और इसके लिए कुछ एक्शन लिया जाए। और जाहिर है वो सेक्रेटरी भी अंग्रेजी था, वो सेक्रेटरी डायरेक्ट इनसे बोल दिया कि मैं किसी भी बाहर के व्यक्ति को कोई भी यहाँ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता और न ही आप यहाँ पर आकर कोई इंटरफेयर कीजिए, यानी यहाँ से आप तुरंत का तुरंत निकल जाइए। यानी जो सेक्रेटरी थे वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उनको यहाँ से जाने के लिए कहे। अब यहाँ से कहानी और ज़्यादा आगे बढ़ती है और जब कहानी आगे बढ़ती है तो गांधी जी जब सेक्रेटरी से मिले और सेक्रेटरी इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तब गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए और उनसे मिले और वो जो ऑफिसर था वो ऑफिसर भी इनको बुली किया, बुरी तरीके से इनको अपमान किया और वो ऑफिसर भी इनको कहा कि यहाँ से तुरंत चले जाओ, यहाँ से छोड़कर यहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली है। अब यहाँ से कहानी हमारी आगे बढ़ती है और यहाँ इसमें क्या होता है कि जब वो ऑफिसर गांधी जी को बोल देता है कि यहाँ से चले जाओ तब गांधी जी मोतिहारी चले जाते हैं। पहले गांधी जी चंपारण थे, अब गांधी जी चंपारण से मोतिहारी चले आए हैं। मोतिहारी क्या है, चंपारण जिले की एक राजधानी के रूप में मानी जाती है उस टाइम पे। अब वो वहाँ पर मोतिहारी में अपना एक हेडक्वार्टर बना लेते हैं, एक रूम बना लेते हैं। उस रूम में सोचते हैं कि उस रूम से उस हेडक्वार्टर से सारी इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठा करूँगा, उसके बाद सारी एविडेंस को सारे सबूत को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद कुछ काम आगे किया जाएगा। तभी उनके पास सडनली एक इन्फॉर्मेशन आती है कि पास ही के गाँव में एक किसान को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है और मारा गया है और गांधी जी सोचते हैं कि उस किसान से एक बार जाके मिला जाए। अगले सुबह गांधी जी हाथी पर बैठकर उस किसान से मिलने जाने ही वाले होते हैं और रास्ते में जब जाते हैं तभी उनको एक कैरेज से, एक घोड़ा गाड़ी से, या कैरेज था बग्गी आप समझ सकते हैं, उस गाड़ी से इनको कोई आदमी आता है और मैसेज देता है, चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि जितना जल्दी हो सके आप जल्द से जल्द यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। और वो आदमी हाथी से इनको नीचे उतरवाता है और वो अपने गाड़ी में कैरेज में बैठवाता है और इनको इनके हेडक्वार्टर तक वापस लेके जाता है और छोड़ के चला आता है। उस चिट्ठी को जब गांधी जी खोल के देखते हैं तो चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि यहाँ से छोड़ के आप चले जाइए। गांधी जी जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और चिट्ठी के वापस लिखते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और चिट्ठी को जब पोस्ट कर देते हैं उसके बाद जब वहाँ की गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो गांधी जी का अपोज किया जाता है और गांधी जी को कोर्ट में बुलाई जाती है गांधी जी के खिलाफ केस लड़ने के लिए। और जब गांधी जी के खिलाफ केस लड़ने के लिए बुलाया जाता है तो गांधी जी जब ये जान जाते हैं कि कोर्ट में इनकी पेशी होने वाली है अगले सुबह, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम कर देते हैं और ये बताते हैं कि आपके जितने भी बड़े बड़े साथी हैं, जैसे ज़मींदार हो गए, ज़मींदार के साथ साथ जो बड़े बड़े लॉयर हो गए और जो बड़े लोग हैं, उन सभी को लेके कल सुबह तक यहाँ पर आप पहुँच जाइए। उसके बाद वो और भी वहाँ के सभी लोगों को खबर भेज देते हैं और वहाँ के स्टेट वायसराय को एक रिपोर्ट भी भेज देते हैं कि ये सब होने वाला है। और ये सब होने के बाद ही अगले सुबह जब इनकी पेशी कोर्ट में होने वाली थी, एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी कोर्ट के बाहर और गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी कि आज तक हिस्ट्री में इतनी बड़ी भीड़ किसी कोर्ट के सामने नहीं इकट्ठी हुई थी और न ही लोगों के अंदर इतनी हिम्मत थी कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई इतनी बड़ी एक्शन ले सके या इतना कोई आवाज़ उठा सके। यहाँ से कहानी अब आगे बढ़ती है। गांधी जी को वहाँ पर अभी कोई नहीं जानता कि गांधी जी अभी साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं और बड़े बड़े मूवमेंट करके वहाँ से आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें कोई नहीं जानता है। बस लोग इतना ही जानते हैं कि कोई महात्मा गांधी हैं जो हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और सिर्फ इतने से ही बात करने के लिए सारे किसान वहाँ पर शुरू हो जाते हैं।
अब यहाँ से लिब्रेशन की शुरुआत हो जाती है, यानी यहाँ से अब आज़ादी की शुरुआत होती है अपने देश की, सबसे पहले मूवमेंट से ही, इस राजकुमार शुक्ला वाले घटना से। अब यहाँ से भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है उस कोर्ट के बाहर कि जो अंग्रेज़ों के प्रशासक थे, उन शासकों को, जो पुलिसकर्मी थे और भी जो लोग थे जो कंट्रोलर थे वहाँ के, भीड़ को न कंट्रोल कर पाने की वजह से गांधी जी का वो हेल्प लेते हैं और वो कहते हैं कि गांधी जी से हेल्प लेते हैं और कहते हैं कि गांधी जी से कि सारे भीड़ को कंट्रोल करें। अब यहाँ गांधी जी अपने पावर का प्रूफ देते हुए कहते हैं कि अब लिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, आज़ादी की शुरुआत हो गई है, सबसे पहले लोगों के अंदर से यहाँ पर डर ख़त्म करना है ताकि लोग खुलकर अपने सवालों का जवाब इन लोगों से मांग सकें, अपना प्रश्न पूछ सकें कि इनके साथ गलत हो रहा है या सही। फिर जब गांधी जी की पेशी होती है कोर्ट में तो पूरा कोर्ट पीछे, आप लोग समझ सकते हैं फिल्मों में ऐसा होता है, पूरा कोर्ट खचाखच पूरा भीड़ से भरा हुआ है और इनकी केस अब शुरू होती है। अब वहाँ का जो लॉयर था, जो वकील था इनके हिसाब से या इनके तरफ से जो केस लड़ रहा था, उसने जज से ये रिक्वेस्ट किया कि जज साहब केस को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन गांधी जी तुरंत इसको अपोज करते हैं कि केस को पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसका फैसला तुरंत होना चाहिए। जब गांधी जी कहते हैं कि इसका फैसला तुरंत होना चाहिए, अब उसके बाद यहाँ से गांधी जी अपने दोस्त को जानना चाहते हैं कि मेरी गलती क्या है। तब इनको बताया गया कि आपने जो आपको लेटर मिला था, आपने उस लेटर का जो उस लेटर में जो आदेश लिखे हुए थे उसका आपने उल्लंघन किया और उसको आपने नहीं माना, इसलिए आप दोषी माने जाएंगे और गुनहगार माने जाएंगे। उसके बाद गांधी जी कहते हैं मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, जैसा कि मैं भी एक वकील हूँ, मेरे पास दो रास्ते थे, अगर मैं उस ऑर्डर को मान लेता तो यहाँ से मैं चला जाता, यानी लॉ को फॉलो करने वाला एक इंसान रहता, अगर मैं उसको नहीं मानता तो किसानों को मैं हेल्प नहीं कर पाता। मेरे सामने सिर्फ दो चॉइस थी, मैं किसानों का इस लॉ को तोड़कर, इस ऑर्डर को तोड़कर मैं किसानों का हेल्प करूं, या तो लॉ को मानकर किसानों का हेल्प करना छोड़ दूं। तो मेरे अंदर एक आत्मा भी है, उस आत्मा के वकालत के कारण मैं इस लॉ को तोड़ना ही बेहतर समझा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने गलती किया है, आपके ऑर्डर को रिफ्यूज किया है, नहीं माना है, मेरी पेनल्टी क्या होगी। फिर जज बोलते हैं कि 2 घंटे के ब्रेक के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा, तब तक आप अपने बेल को, जो जमानत होती है, आप अर्जी दे दीजिए बेल का। गांधी जी बोलते हैं मैं अपने बेल का यानी जमानत का अर्जी नहीं दूंगा। फिर उसके बाद 2 घंटे के ब्रेक के बाद ये फैसला सुनाया जाता है कि जज साहब बोलते हैं, जज वहाँ के बोलते हैं कि मैं इस केस का फैसला अभी तुरंत नहीं ले सकता, मुझे इस फैसले को लेने में कुछ समय चाहिए और तब तक के लिए गांधी जी अभी स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से आज़ाद हैं और वो अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को यहीं पर समाप्त किया जाता है, बाकी इसके दूसरे पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद।